हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलिशा आर्ट। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं लेके आई हूँ एक DIY वीडियो और उसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वेस्ट कार्डबोर्ड के पीसेस जिन्हें मैंने गोलाकार में काट लिया है। कैसे काटा है दोस्तों? आप कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर कोई भी गोल शेप के ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। मैंने तो डिशेस रख दी थी जिस पे हम खाना खाते हैं, तो उसका शेप बना लिया और फिर उसे उसी शेप में मैंने काट लिया है। टोटल मैंने यहाँ पे 5 बनाए हैं। मैं एक में आपको बना के दिखाऊंगी और बाकी सिमिलर होंगे, तो मैं एक ही आप लोगों को बना के यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो एजेज हैं ये अनइवन से लगते हैं, तो इसको मैं इस मास्किंग टेप के हेल्प से कवर करने वाली हूँ और इसको एक स्मूथ फिनिशिंग देने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लगा लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से, और जो बाकी पीसेस थे उनमें भी मैंने इसी तरह से एजेस को स्मूथ कर लिया है मास्किंग टेप के हेल्प से। अब दोस्तों, इन पीसेस पे हम लगाएंगे जेसो। तो क्योंकि जेसो एक प्राइमर का काम करता है, तो इन जो कार्डबोर्ड के पीसेस हैं यहाँ पे, कुछ भी हम आर्ट करें, कुछ भी करें, उससे पहले मैं यहाँ पे 2 कोट प्राइमर का, जेसो का लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस पे जेसो लगा लिया है। अब हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 कोट्स लगा लिए हैं जेसो के और अभी ये बिल्कुल सूख चुका है। सूखने के बाद अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वाइट एक्रेलिक पेंट से कलर, क्योंकि वाइट करने के बाद जब हम इस पर कोई भी कलर करते हैं तो वो कलर अच्छे से पॉपअप होता है। तो दोस्तों, एक्रेलिक पेंट बिल्कुल सूख चुका है। अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ डेकोपाज और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला नैपकिन। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये मैंने परचेज़ किया है अमेज़ॉन से। तो दोस्तों, ये देखिए मोर का काफ़ी अच्छा प्रिंट है, तो इसे मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। और डेकोपाज कैसे करते हैं, नैपकिन को कैसे लगाते हैं, ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से बता देती हूँ कि इस तरह से आपको जो पार्ट लगाना है उसे आपको इस तरह से हाथ से अनइवन तरीके से टियर करना है। तो मुझे जो पोर्शन चाहिए दोस्तों, वो मैंने टियर आउट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे डेकोपाज नैपकिन में 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से 2 हमें हटानी पड़ती हैं और जो एकदम ऊपर का लेयर होता है उसे हमें चिपकाना होता है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इस पोर्शन को यहाँ पे स्टिक करेंगे। तो दोस्तों, स्टिक करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉड पॉज ग्लू। ये भी मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे मैंने पूरा नैपकिन लगा लिया है जो पार्ट मुझे चाहिए। अभी नैपकिन के ऊपर मैं माउथवॉश ग्लू अप्लाई करने वाली हूँ ताकि हमारा जो ये वर्क है ये बिल्कुल सील हो जाए, ख़राब ना हो। तो माउथवॉश ग्लू को अप्लाई करने के बाद हमें उसे अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये कलर। देखिए ये मैंने ब्राउन और वाइट मिक्स करके ये कलर बनाया है क्योंकि ये जो नैपकिन मैंने पेस्ट किया है उसके कलर से मैच होता है, तो जो वाइट पोर्शन है सारा वाइट पोर्शन मैं इसी कलर से पेंट कर दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कलर कर लिया है। अभी ये जो बाउंड्रीज हैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छा फिनिशिंग देने के लिए मैं ये 0 साइज़ का ब्रश ले रही हूँ और इससे एजेस को अच्छी और स्मूथ फिनिशिंग देने वाली हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डेकोपाज कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो ये ड्राई हो चुका है और अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एक प्यारा सा कोट। तो दोस्तों मेरा ये प्यारा सा वॉल हैंगिंग बिल्कुल तैयार है और इसमें मैंने एक बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा है, एक्सपेक्ट नथिंग अप्रिशिएट एवरीथिंग। ये दूसरा मैंने बनाया है, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। और फिर मैंने एक तीसरा बनाया है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। उसके बाद ये देखिए होम स्वीट होम। और लास्ट में गुड वाइब्स ओनली। तो दोस्तों मेरे इन वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाए गए ये वॉल हैंगिंग्स आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, और बनाइए और अपने घर को सजाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।